मेरे फ्रेंड्स, मैं अदनान अब्बास कोरल ड्रॉ के एक और एक्सपेरिमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा ट्यूटोरियल आपके लिए नई टिप्स के साथ होगा, तो काम शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहले आपने न्यू पेज ले लेना है, उसके बाद रेक्टेंगल साइज लगाने के लिए ये साइज आपका फाइनल होगा, आपने इंटर प्रेस कर देना है। इसे A5 का साइज बोलते हैं, A4 से छोटा जो होता है उसे A5 कहते हैं। अब जी, आपने यहाँ से फ्री हैंड टूल ले लेना है। शेप टूल, कन्वर्ट टू कर्व, से ऊपर लेके चले जाना तक, यहाँ तक बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब आपने इसकी एक कॉपी लेनी है और यहीं पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ से अब आपने शेप टूल लेना है और इसको सिलेक्ट करके नीचे ले आना है। यहाँ तक और इसे थोड़ा सा और यहाँ तक, अब आपने इसी को कॉपी करना है, एक को खाली, और इसे यहाँ से मिरर चेंज कर देना है तकरीबन यहाँ तक। यहाँ से आपने शेप टूल सेलेक्ट करना है और इसे नीचे ले आना तकरीबन यहाँ तक, लाइन थोड़ी सी ये यहाँ तक, उसे एक और कॉपी ले लेनी है यहाँ तक, या थोड़ा सा फासला कम कर देते हैं शेप टूल सेलेक्ट करके इसे यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ नीचे से। ये वाली शेप मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, इसे सेट करते हैं। शेप टूल लेना है आपने, इसे नीचे और इसे भी यहाँ नीचे ले आना है। दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे, ये आप इसे नोट करते जाएं साथ साथ। ये गलाई थोड़ी सी हमारी सही करनी पड़ेगी तकरीबन यहाँ तक, और इसे बेशक आप डिलीट कर दें और फिर इसको कॉपी कर लें यहाँ पे। यहाँ ये देख लें ऊपर से, अब आपने इसे सेलेक्ट करना है और इसकी कॉपी ले लेनी है नीचे, ऐसे यहाँ पे ले आना है इसके, इसको भी रोटेट कर देना है बल्कि इसे इसी शेप में रहने देते हैं, और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसे रोटेट करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से इसे बड़ा करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट कर देते हैं।
यहाँ तक ठीक लग रहा है मुझे। बेसिक हमारी शेप तैयार हो। अब आपने इसे सिलेक्ट करना है, कर्व्स देने के पहले इसे रोटेट कर लेना है थोड़ा सा, यहाँ तक सही है। अब आपने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है, ऐड एड एड क्लिक, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे। अब आपको ये लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें डल कर दें। ये आपकी शेप तैयार हो चुकी है। अब इसमें कलर देते हैं। सबसे पहले तो आपने फिल टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ पे दो कलर का बेशक इस्तेमाल आप कर लें, यहाँ पे सियान से, और यहाँ पे आपने सॉरी पर रेड वगैरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ये कलर दे देना है, इसका कोड आप चेक कर लें। और यहाँ पे ये कलर देना है, इसका कोड आप चेक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे भी सेम कलर देना है, और यहाँ पे डार्क, ठीक है, ऑपोजिट कलर देंगे तो अच्छा बन जाएगा। अब आपने इसे इसे और इन तीनों को सेलेक्ट करके आउटलाइन ख़त्म कर देनी है कि यहाँ से। अब सेफ कलर आपने नीचे भी डालने हैं और यहाँ पे भी इनकी भी, और इसकी आपने आउटलाइंस ख़त्म कर देनी है। ये आप चेक कर रहे होंगे यहाँ पे राइट क्लिक करने से आउटलाइन ख़त्म हो जाएंगी। हमारी जो चीज़ यहाँ पे है, इसे हमने ब्लू और सियान से काम करना है। इसका यहाँ पे ब्लू सॉरी यहाँ पे सियान डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे दो बस। फिलहाल अभी कलर ऐड कर रहा हूँ सेटिंग में, इसकी साथ साथ करूँगा, ठीक है। इसको भी हम डाल देते हैं वैसे ही कलर पे। इसकी भी आउटलाइन खत्म यहाँ से कर दें। ये हमने यहाँ पे रखना है पिक्चर, हम इसमें डाल देते हैं कॉपी कर ली पिक्चर की, और पावर क्लिप कर दें ये जो हमने यहाँ पे, और अब राइट क्लिक करके एडिट पावर क्लिक, और इसे साइज में बढ़ाया। बस खाली पिक्चर डालनी थी, आप अपनी मर्जी के कुछ भी डाल सकते हैं, मेरे पास यही पड़ी हुई थी सो मैंने डाल दी। अब इस फ्लायर में मैं आपको खूबसूरत सा हाल्फ टोन का भी एक यूज़ करना बताऊंगा, जिससे आपको के डिज़ाइन में काफ़ी खूबसूरती आएगी। तो आप इसे चेक करिएगा, आपने यहाँ से ले लेना है तकरीबन साइज़ ये चेक कर लीजिएगा इसका, बेशक इसे थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हल्फ टोन थोड़ा सा चीज़ें चेक करने वाली हैं, बिट मैप कन्वर्ट टू बिट मैप करना है, सीएमए की और रेजोल्यूशन ओनली 2050 रखनी है, ठीक है, और इसे ओके कर देना, सही है। अब बिट मैप में जाना है आपने, और गर्जियन ब्लर इसे तकरीबन 24 पे, सही है, बिल्कुल सेम फॉलो करेंगे तो आपको जिस तरह मैं चाहता हूँ वो चीज़ आपकी बन जाएगी। अब आपने बिट मैप में जाना है, और यहाँ से हॉल फोटो
ठीक होगा। ज़्यादातर आपके मैन में ये जो कलर होंगे मर्जेंटा, सियान, येलो, ब्लैक, इन्हें बिल्कुल ज़ीरो पे कर देना है। ये जो हमारा है हम इसे देखते हैं कहाँ पे सेटिंग करते हैं उसकी। ओनली 4 पे रहने दें, ये रिड्यूस इसका यहाँ तक, ठीक है। ओके प्रेस कर देंगे हम। ओके प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है जी, के फिर जाना है कन्वर्ट टू बिटमैप में और इसे ब्लैक एंड वाइट 1 बिट में तकरीबन 1:2 रेजोल्यूशन इसकी 120 बेशक रख दें। ओके कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपने इसके फील को यहाँ से ख़त्म कर देना है, सॉरी इस फील को आप यहाँ से ख़त्म करेंगे और आउटलाइन जिस तरह हम लगाते हैं राइट क्लिक करेंगे किसी पे भी तो इसका आउटलाइन इस तरह से आ जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इसे करना है, सॉरी कॉपी एंड पेस्ट। अब इसे हमने ये यहाँ से ड्रैग, पावर क्लिप नहीं होगा, हमें इसे यहाँ से करना है, इधर यहाँ एक तो वहाँ से पावर क्लिप कर करके मुझे ध्यान में नहीं रहा। हाँ ये पड़ा हुआ है पावर क्लिप, ये प्लेस इन साइट, इस पर क्लिक करेंगे तब आएगा, ठीक हो गया, सही है प्लेस इन साइट। अब आपने इसे यहाँ पे डालना है, ये डल गया। अब आपने एडिट पावर क्लिप और इसके बाद आपने कलर देना है जी यहाँ पे, जैसे मैं चेक करता हूँ कि कौन सा कलर यहाँ पे लगा हुआ। एडिट पावर क्लिप करना है और इसे कलर ये डार्क वाला दे देना है, इसे रोटेट कर देना है तकरीबन यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि बल्ब टोन इफेक्ट जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ सके। ओके करते हैं यहाँ पे। अब जो हमारा कलर है इसे थोड़ा सा इस साइड पे ले आएंगे यहाँ पे, ये देखें एक मज़े का इफेक्ट हमारा बनेगा। सेटिंग आप चेक कर लें इसकी, ओके। और ये पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। अब इसकी एक और कॉपी लेनी है हमने, कॉपी एंड पेस्ट। इसमें ये कलर रहने देते हैं हम, हमने इफेक्ट में जाना है, पावर क्लिप, फेस इनसाइड और यहाँ पे ये चला गया हमारा जी। हमने अब इसे एडिट पावर क्लिक करना है, थोड़ा सा रोटेट, यहाँ से आपने इसे ये ज़्यादा आ रहा है, इसे थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं यहाँ पे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे। और अब आपने यहाँ से ब्लू को थोड़ा सा और पीछे लेके चले जाना है यहाँ पे, यहाँ पे। ये हमारे कोस्टर मुकम्मल हुआ। उनको थोड़ा सा पीछे ही करना पड़ेगा यहाँ पे, ये ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया, इसे हम डार्क कर देते हैं और इसे वही प्रोसेस, पावर क्लिप, इनसाइड यहाँ पे
बस यहाँ पर ठीक है, ये स्टेप हुए जी हमारे मुकम्मल। देखिए थोड़े से काम में एक इफेक्ट डालने से हमारे डिज़ाइन की लुक बन चुकी है। इसे वाइट ही कर दें, ये मैं बस एज जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए यूज़ करता हूँ ये वर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे लिख सकते हैं, मुझे जल्दी लिखने में आसान होते हैं तो इसलिए मैं ये डाल देता हूँ। डिसिप्लिन के तौर पे रख लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं और थोड़ा सा यहाँ तक सारे को पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सो ये ठीक रहेगा, एक स्टेप हमारा यहाँ पे रह चुका है। हमने ये जो लाइन है इसे शिफ्ट पेज अप करना है और इसकी एक कॉपी लेनी है, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे ही इसे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद हम इसे तकरीबन यहाँ पे रखेंगे और इसका आप कलर चेंज कर देंगे, यहाँ पे है हम इसे इस तरह लाएंगे। ये हो गया, अब हमने यहाँ से ड्रॉप शेडो ले लेना है और इसे ये आपने यहाँ से इस तरह से भी लेके आ जाना है और इसे ऊपर यहाँ तक, तो आपने इसे फुल ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से और इसकी इसे तकरीबन दो ही ठीक है, ऑफ स्टील वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, इसे थोड़ा सा ऊपर उठा लें ये यहाँ तक। फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हमने सेकंड जो चीज़ बनानी है वो बिल्कुल इजी बनी बनेगी हमारी। तो हमने इसमें क्या करना है कि ओनली ये सिलेक्ट करना है, बल्कि आपको नहीं समझ लगेगी, आपने यहाँ से एक इसी साइज़ का एक और ले लेना है है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने सिंपल सा एक स्टेप करना है यहाँ पे, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, हाँ मैं इसे ख़त्म कर दूँ। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ये यहाँ पे इस ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर ड्रॉप शेडो, ड्रॉप शेडो ये नहीं हमने नहीं लगाना, सिंपल में हमें ठीक लग रहा है, तो इसी से हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे ठीक हो गया और इसे यहाँ पे नीचे लेंगे थोड़ा सा, ये हो गया जी। अब हमने इस तरह करना, इसकी आउटलाइन लगा देनी, अपने इसके फिल टूल ख़त्म कर लेना है, आउटलाइन लगी रहने दें और इसकी एक और कॉपी यहाँ पे आप ले लें, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, स्मार्ट फिल टूल लेना है यहाँ से एक, इसके बाद आपने इसे और फिर इसे इसे भी कर लेना, इसे जो हमारे पास खाने बने हैं हम सब भी कर लेंगे। अब आपने इसे और इसे वेल्ड कर देना है यहाँ से और ये जो पिक्चर है इसे पावर क्लिप कर देना है आपने यहाँ पे, एडिट पावर क्लिप, कलर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है
इसकी आउटलाइन आप ख़त्म कर दें और इसकी भी कलर ऊपर अप्लाई कर लें। और यहाँ से आपने कलर थोड़े से चेंज कर देने हैं जी, इस तरह से इन तीनों की आउटलाइन आपने ख़त्म कर देनी है राइट क्लिक से। और यहाँ पे भी आपने सेम कलर देना है ब्लू और सियान का कम्बिनेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल आपने सेंटर में एडजस्ट कर लेनी है, बाकी जिस तरह इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस तरह को आपकर आपने राइटिंग करनी होती है। ये तो बस एक सिंपल के तौर पे मैं इस पर राइटिंग कर रहा हूँ, तो कई बार ज़्यादा भी राइटिंग आ जाती है, कभी थोड़ी भी आ जाती है, तो इस हिसाब से आपको वो फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी। अभी बस आपको मैं ये एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये जी हमारा फ्लेयर डिज़ाइन रेडी हो चुका है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। देख लें आपके सिंपल स्टेप की हैं, मैंने इस पर यूज़ की हैं तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ख़ास करके हल बटन का इफेक्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। लोग आपको बताएंगे इसके बारे में लेकिन कोई इस्तेमाल करना नहीं बताएगा, तो इसलिए मैंने आपको ये इस्तेमाल करके बताया कि ये किस तरह किसी भी चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा ये ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।